आज यहाँ पे मैं एक डिजाइन बनाने वाला हूँ। इस डिजाइन का मार्किंग कैसे करना है सबसे पहले उसके बारे में मैं बात करूँगा। इस बॉक्स का साइज 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा है। फिर इस बॉक्स का सेंटर निकाल के लाइन डोरी झाड़ देना है। लाइन डोरी झाड़ने के बाद ऐसा प्लस का मार्किंग बन जाएगा। फिर जिप्सम बोर्ड का 5 इंच का एक टुकड़ा कटिंग कर लेना है। इसी तरह से 5 इंच का जो टुकड़ा है उसके सेंटर में 2.5 इंच पे इसी तरह से एक मार्किंग दे देना है। फिर 5 इंच का टुकड़ा सीलिंग के ऊपर इस तरह से रख लेना है। अब सीलिंग पे सेंटर का जो मार्किंग है और 5 इंच टुकड़े का जो सेंटर का मार्किंग है उसको इस तरह से रख के मिलाना है। सीलिंग के सेंटर से 2.5-2.5 इंच इधर उधर होना चाहिए। फिर यहाँ पे मार्किंग लगाना है पेंसिल से इस तरह। अब पेंसिल के मार्किंग से और बॉक्स के धार तक मेजरमेंट कर लेना है। अब जितना मेजरमेंट आया है सेंटर के मार्किंग से दाहिने साइड मेजरमेंट करके मार्किंग लगा देना है पेंसिल से। अब ये 5 इंच का टुकड़ा रखना है और पेंसिल के दोनों मार्किंग से इस तरह से मिलाना है। फिर दोनों साइड मार्किंग करना है पेंसिल से इस तरह। सेंटर से जितना मेजरमेंट दाहिने साइड आया है उतना ही मेजरमेंट बाएं साइड मेजरमेंट करके पेंसिल से मार्किंग लगाना है। अब इस टुकड़े को उसी तरह से मिलाना है जैसे उधर मिलाए थे, इधर भी वैसे मिलाना है। अब जो 5 इंच का टुकड़ा है उसके दोनों साइड पेंसिल से मार्किंग कर देना है। जिप्सम का जो टुकड़ा लेके 5 इंच का मार्किंग किया था अंदर और बाहर, तो अंदर वाले मार्किंग पे टेप इस तरह से क्रॉस रखना है और सेंटर का जो लाइन डोरी है उस पे 3 इंच पे मार्किंग लगा देना है। अब 5 इंच वाले मार्किंग से 3 इंच वाला जो मार्किंग लगा है उसका सीधा मेजर टेप रख के मेजरमेंट कर लेना है इसी तरह से। अब वहाँ पे जो मेजरमेंट किया था वही मेजरमेंट यहाँ धार पे लगाना है। 5 इंच के अंदर वाले मार्किंग से दाहिने साइड लगाना है। अब 5 इंच का जिप्सम का टुकड़ा लेना है और पेंसिल के मार्किंग से मिला लेना है। अब देख सकते हैं 5 इंच का जो पहले मार्किंग किया था और 5 इंच का जो अब मार्किंग कर रहा हूँ उसके बीच में 3 इंच का गैप आ रहा है, ये जगह खाली रहेगा। मिलाने के बाद टुकड़े के दोनों साइड पेंसिल से मार्किंग कर देना है। सेम इधर जैसे मार्किंग हुआ है उधर से भी वैसे ही मार्किंग कर लेना है। एक तरफ का मार्किंग हो गया है, अब ऐसे सब तरफ का मार्किंग कर लेना है। सेम ऐसे ही चारों तरफ मार्किंग कर लेना है।
इधर का मार्किन कंप्लीट हो गया है, जैसे इधर का मार्किन किया है उसी तरह से इसके सामने भी मार्किन कर देना है। यहाँ पे 3 इंच का जो खाली जगह दिखेगा वहाँ पे ऐसा कट का मार्किन लगा देना है। जो नए लोग जिप्सम बोर्ड का काम सीख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही डिज़ाइन के वीडियो डालता रहता हूँ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच का जो खाली जगह दिखेगा वहाँ पे ऐसा कट का मार्किन लगा है यहाँ, और जो 5 इंच टुकड़े से मार्किन किया है वहाँ पे 1/2 इंच का बोर्ड लगाना है। ये POP का पाउडर है, इसको पानी में डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है, पतला सा। कितना पतला मिलाना है देख सकते हैं। और अब 5-5 इंच का जिप्सम का टुकड़ा कटिंग करके रख लेना है। जो POP का पाउडर पानी में मिला है पतला सा, उसी को 5 इंच टुकड़े के ऊपर, पूरे टुकड़े के ऊपर लगा के इसी तरह से चिपका देना है। अगर हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसको अपने घर में जिप्सम बोर्ड का काम कराना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू।